हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से दिनेशपुर के एक जगह पर आया हूं और इस घर में जो है काफी अच्छी बागवानी मुझे यहां देखने को मिली और यहां पर ग्राउंड गार्डन भी है, टेरिस गार्डन भी है और जो घर है पूरे घर में जहां तहां कुछ ना कुछ गमलों में कुछ ना कुछ जमीन पर सब जगह जो है फूल और सजावटी पौधे हैं वो लगा रखा है। तो इस घर में जो गार्डनिंग करते हैं, चलिए आज के वीडियो में उनसे मिलते हैं और उनके घर को देखते हुए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके गार्डन में जरबेरा लगे हुए हैं और इसके अलावा भी कई जगह पर गार्डनिंग आपने कर रखा है। ऊपर कुछ हैंगिंग भी है, उधर मंदिर है तो मंदिर के पास भी काफी सारी गार्डनिंग आपकी दिखाई दे रही है और इधर भी जो है कुछ कुछ गार्डनिंग आपकी है। और इसके अलावा छत पर भी मैंने देखा है पहले से जाकर के कि वहाँ भी काफी गार्डनिंग है, तो बहुत अच्छा लगा। तो इन सब के बारे में तो आपसे बातचीत करेंगे ही, सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम और कहाँ रहती है। मेरा नाम रेखा राय है, मैं दिनेशपुर वार्ड नंबर 7 में रहती हूँ। और इस समय हाउसवाइफ है या कुछ और भी काम कर रही हैं? हाउसवाइफ हूँ, साथ में जो है स्कूल में भी काम करती हूँ, स्कूल में जॉब करती हूँ। अच्छा, स्कूल में भी जॉब आपका है जी। बहुत ही बढ़िया, मतलब घर का काम संभालना, स्कूल का काम करना, उसके बाद इस गार्डनिंग को करना, बहुत अच्छा लगता है। टाइम मैनेज हो पाता है इतना कुछ? टाइम मैनेज कर लेते हैं, छुट्टी के टाइम पे कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं काम थोड़ा अच्छा सा। थोड़ा जैसे जिस समय फुर्सत मिलती है हल्के फुल्के उस समय जो है आप इनके पीछे लगे रहते हैं जी। बहुत ही सुंदर। तो ये जो जरबेरा मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैंने देखा है, काफी दिनों से यहीं पर है, कब लगाया था इनको शुरुआत में? ये 5-6 साल हो गए हैं। तब से कंटिन्यू यही हाँ, जमीन पर है। हाँ, तो इनको निकालने की जरूरत पड़ती है क्या साल में? एक दो साल में इसको निकाल कर फिर से जो है लगाया जाता है, पौधों को अलग करके फिर लगाया जाता है। और जब ये लाए थे तो उस समय क्या एक साथ इतने सारे लाए थे या एक दो से ही इतने सारे मल्टीप्लाई हो गए? दो ही पौधा लेके आए थे पहले, एक ही कलर में। हाँ, एक ही कलर में, और उससे ये सारे जो है हो गए। हाँ, या इसके अलावा और भी बनाया है क्या? इसके अलावा और भी है, गमलों में लगा हुआ है। तो इसी से ही मतलब? हाँ, इसी से ही है, हर साल इसी से ही बनाया जाता है। तो इसमें कोई सड़न वगैरह आपने देखा है कि कोई सड़न हो जा रहे हैं, पौधे मर जा रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी? इसमें पानी ज्यादा हो तो सड़न लगती है, अगर पानी ज्यादा ना हो तो फिर सड़न नहीं लगती। इसीलिए यहाँ पर जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सूखा सूखा दिखाई दे रहा है ठंड में, कि पानी बहुत कम डालते हैं इसमें। हाँ, तो फूल तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, इतना तो बहुत कम जगह मुझे दिखाई देता है। और इसके अलावा यहाँ मैं देखूं तो यूफोर्बिया मिली है, ये भी काफी दिन का होगा? हाँ, ये 2-3 साल हो गए। 3 साल लगभग है? हाँ। तो इसमें हमेशा रहते हैं फूल? हाँ, इसमें हमेशा फूल रहते हैं। कोई देखभाल इसमें खास कुछ होता है? इसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, बस जो है 3-4 महीनों में एक बार जो है इसमें दवाई वगैरह छिड़के जाते हैं और बाकी स्प्रे पानी वगैरह। हाँ, स्प्रे वगैरह किया जाता है। कीड़ों का भी अटैक तो मैंने देखा नहीं है नहीं, स्कूल इसमें, में कभी इसमें कीड़ों का अटैक नहीं होता, नहीं होता। बाकी नीचे निराई गुड़ाई हो पाती है, जैसे कांटों से भरा हुआ ही है? बहुत कम हो पाती है, बहुत कम, मतलब ऐसे ही है, लेकिन फूल हाँ, फिर भी आते जा रहे फूल लगा फिर भी आते हैं। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ गुलाब, तो गुलाब भी आपके ऐसे ही जमीन पर ही लगे हुए हैं? हाँ। ये नर्सरी का पौधा या ब्रांच का है? ये नर्सरी का है। नर्सरी का है, कितने साल का हो गया? ये 1 साल हो रहे हैं इस पौधे को। 1 साल में इतनी ग्रोथ हो गई? हाँ। यहाँ पर मतलब जब लगाया था क्या गोबर की खाद वगैरह का यूज करते हैं इसमें? हाँ, गोबर की खाद और रेत का यूज किया गया था। अच्छा, और उसके बाद में बीच बीच में कुछ डालना होता है इसमें? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, वही मतलब एक हाँ, बार जो डाल करके लगा दिया हाँ, वही है। बीच में थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाला जाता है और बाकी खली का पानी डाला जाता है। और ये मैं देख रहा हूँ ये क्या है, कोई स्प्रे किया? स्प्रे किया गया है इस पर। क्या फंगीसाइड वगैरह? हाँ, फंगीसाइड का स्प्रे किया गया। बीच बीच में मतलब फंगीसाइड हाँ, स्प्रे होता है जिससे हाँ, फंगस ना लगे और सर्दी में बरसात में थोड़ा करना भी ठीक रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे गुलाब और भी दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट वाला है, ये भी 1-2 साल हो गए? हाँ, ये भी 1 साल हो रहा है। 1 साल इसका भी हो रहा है, ये भी नर्सरी का ही? हाँ, ये भी नर्सरी का है। ये तो काफी बड़े बड़े भी है।
तो मेनली क्या सर्दियों का टाइम होता है या गर्मियों में भी आते हैं इसमें? नहीं, ये गर्मियों में भी आते हैं इसमें फूल, मतलब हमेशा हाँ, चलता रहता है, हमेशा फूल आता है। ऐसे तो गुलाब को मेनली जो है सर्दियों का फूल माना जाता है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो कि गर्मियों में भी होने लगे हैं। और इसमें क्या ऐसा रहता है, इसमें भी गर्मियों में रहते हैं? हाँ, इसमें भी गर्मियों में रहते हैं। ये पौधा बहुत पुराना है, 10-12 साल हो गए। ठीक ठीक, इसमें तो आप कटाई छटाई की थोड़ी जरूरत है, बहुत सारे फूल सूख भी गए। और इधर मुझे दिखाई दे रहा है एक मिर्च का, काफी पुराना होगा ये भी? नहीं, ये भी 1 साल का ही है। 1 साल से लगातार आ रहे हैं मिर्च ऐसे? हाँ। ये पूरा जो है ब्लैक ब्लैक कलर के मिर्च दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे अगर 2-4 पौधे हो तो मिर्च खरीदने की जरूरत ही नहीं है मार्केट से। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम उस साइड में भी देखेंगे, उधर क्या लगा रखा है? ये भी काफी पुराना पौधा होगा आपके घर में? नहीं, ये 2 साल का है ये वाला। हाँ। देखिए काफी अच्छा डिजाइन बन रहा है, बिल्कुल केले के पत्तों की तरह है ये ऊपर से। इस पौधे के बाद अगर मैं नीचे यहाँ पर आऊं तो यहाँ भी नीचे नीचे कुछ कुछ लगा रखा है। कैलेंडुला दिखाई दे रहा है मुझे और पिटूनिया। हाँ। ये सब कितने दिन हो गए लगाए हुए? ये इसी सीजन में लगाए गए हैं। अभी मतलब 1-8 महीने हो गए। हाँ। होंगे। देखिए काफी सारे फूल, तो ये कहाँ से, आसपास की नर्सरी से लाते हैं या? हाँ, ये दिनेशपुर की नर्सरी से लाए गए हैं। दिनेशपुर में ही? पंतनगर वगैरह से लाते हैं क्या? बीच में कभी जाते हैं वहाँ? बीच में जाते हैं, शोधार के पौधे वगैरह लाए जाते हैं पंतनगर से। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा ये क्या है गमलों में? ये जरबीरा है। अच्छा, वही जो हाँ, पौधे अभी हमने देखे तो वहीं से बने हुए? हाँ, वहीं से बने हुए हैं। तो ये काफी सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो जरबेरा यानी कि जो 6 साल आपने कहा था ना शुरुआत में जब लगाए थे, तो उससे तो अब तक काफी पौधे बन चुके हैं। हाँ। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ तो अभी तो इसमें आने वाले फूल अभी आए नहीं है, कहीं कहीं पर स्टिक मुझे दिखाई दे रहा है, 1-2 आना अभी शुरू हुआ है। कितने दिन पहले लगाया था इसमें गमलों में? करीबन 3 महीने पहले लगाया गया। 3 महीने पहले। और इसमें जो मिट्टी बनाया क्या यूज किया इसमें? इसमें गोबर की खाद है, कोकोपीट है और रेता है। अच्छा, कोकोपीट का भी यूज करते हैं? हाँ। गोबर की खाद, कोकोपीट, रेता, मिट्टी, इन सब का यूज? हाँ। किया। ठीक, बहुत ही बढ़िया। तो इन सब का यूज करके यहाँ पर हो रहा है। और साथ में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है आपने खासतौर से जो वाटर लिली है उसके लिए। हाँ। तो इसमें कितने तरह के लगे हुए हैं वाटर लिली? इसमें 2 तरीके का है। अच्छा, 2 कलर के लगे हुए हैं। तो ये तो मेनली जो है गर्मियों में खिलता है, अब तो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा इसमें। तो सर्दियों में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पत्ते काफी अच्छे हैं, फिर भी फूल कहीं कहीं पर हो रहे हैं। कली आई है पर वो अभी सही ढंग से खिल नहीं रहा है। ये जो है लेकिन इतनी बर्फ पड़ रही है कि उसमें खिलना मुश्किल हो जा रहा है इसमें, लेकिन कुल मिला के काफी अच्छा सिस्टम किया है। क्या लगाया है यहाँ पर, किससे बनाया है ये? ये पुराना पानी की टंकी है। अच्छा, वो फट गया था तो उसी को काट कर उसमें लगाया गया है। अच्छा, पानी की टंकी का यूज किया। हाँ, ज्यादा गहराई नहीं होगी? ज्यादा गहराई नहीं है इसमें, तो वैसे ही लगाया। और किनारे किनारे से पत्थरों का यूज कर दिया तो एक नेचुरल सा लुक आ गया। और एक लॉन बनाने की तैयारी है क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे एक लॉन बनाने की तैयारी है। ठीक, यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि चंपा भी है। इसमें भी तो पूरे गर्मियों में फूल रहते होंगे? हाँ। अभी थोड़ा खिल नहीं पा रहे होंगे, कलियां तो ऐसे भरपूर है लेकिन ठंड की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये क्या, रबर प्लांट? हाँ। तो इसको भी आपने नीचे ही लगा दिया? हाँ। इसके अलावा मैं अगर इधर दिखाऊं तो लाइन्स है यहाँ पर, कैलेंडुला लगे हुए हैं। ये सब नर्सरी का है या बीजों से बनाया था? ये बीजों से बनाया गया है घर में ही। हाँ। और ये बीज कहाँ से लाते हैं? बीज जो है पंतनगर से लेके आए थे, वही मेले के समय। हाँ, मेले से ही लेके आए थे। तो उसी से हो रहे हैं। नीचे ये आइस प्लांट है होंगे? हाँ, सारे सारे आइस प्लांट है। तो ये भी बीजों से ही तैयार है? हाँ, ये सब बीजों से तैयार है। तो बीज क्या हर बार आप लाते हैं खरीद करके या इन्हीं के सीड्स रखते हैं? इन्हीं के सीड्स से ही है ये इन्हीं का पिछले साल जो हुए थे वही रख दिया पौधा था, उसी के सीड से ही है। और ये जैसे जिसमें बीज से पौधा बनाया था कौन से महीने में बनाया था? ये 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने पहले लगभग? हाँ। पौधा तैयार किया था, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर? हाँ। के लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर के उस समय आपने बीज डाल दिया था। और पीछे मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ भी जो है जरबेरा लाइन से है।
वही सब वहीं से बने हुए? हाँ सब उसी। तो बहुत पौधे तैयार कर दिए आपने। हाँ इसके कम से कम 50 पौधे तैयार हो गए। 50 से ज्यादा पौधे तैयार कर दिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा ये सावनी का होगा। हाँ। बरसात में खूब फूल आते होंगे इसमें। हाँ इसमें खूब फूल आते हैं। ठीक। इधर बैगन वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है ग्राउंड गार्डन भी है। और इधर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जो है एक तुलसी मंच है। तुलसी काफी अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही है, इसमें तो काफी बर्फ पड़ रहा है, इसका क्या राज है, क्या करते हैं, इसको ढकते हैं क्या? हाँ इनको रात में ढक दिया जाता है। किससे ढकते हैं, कोई पॉलीथिन? प्लास्टिक की पॉलीथिन से ढक दिया जाता है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा शेप भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा तुलसी मंच है। तो शाम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ढक देंगे तो तुलसी जो है पूरे ठंड में भी आपकी बची हुई रहेगी। और बहुत अच्छे प्लांट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गेट की वैरायटी मुझे लग रहा है। हाँ। तो ये शुरू से नीचे लगा हुआ था या पहले गमलों में लगाया था? ये पहले गमलों में लगा था। अच्छा, बाद में फिर बाद इसमें रिपोर्ट किया नीचे? हाँ, नीचे रखा गया। जहाँ तहाँ मैं देख रहा हूँ कि जरबेरा बहुत ज्यादा है। हाँ, जरबेरा बहुत ज्यादा है। यहाँ भी फूल आने ही वाला है बस इसमें। ठीक, यहाँ तो बहुत सारे हैं जरबेरा, ये सब वहीं से ही आपका बनाया हुआ है। हाँ। तो इसको क्या कहीं सेल भी करते हैं या जितने भी पौधे होते हैं घर में ही रख लेते हैं? नहीं, सेल भी करते हैं। अच्छा, कोई कोई आते हैं, ले जाते हैं घर से, ले भी जाते हैं। हाँ। तो लगभग कितने का दे देते हैं ये पौधा? ये 100-150 का जाता है। 100-150 का, इसका मतलब अच्छा खासा जो है इसके जो रेट्स है वो भी अच्छे मिल जाती है। मार्केट में भी इसके रेट काफी ज्यादा नर्सरी में। और इधर इधर क्या है, ये सारे अमरूद बैगन ये सारी चीजें हो रही है। इधर तो ग्राउंड गार्डन है पूरा। हाँ। और मैं इधर अगर दिखाऊं तो इधर जो है इनका ये टेम्पल है, जो मंदिर है, तो वहां पर भी सामने सामने कुछ लगा रखा है। तो यहाँ भी मोस्टली जरबेरा ही है। हाँ। जरबेरा और ये बेगोनिया, बेगोनिया कब लगाया था? ये इसी सीजन में लगाया गया है, 1 महीने पहले लगाया गया इसको। तो ब्रांच का है या ये जो ये है? भी नर्सरी से, नर्सरी से है। तो ये दो कलर में है। हाँ। बहुत सुंदर कलर आ रहे हैं इसके बेगुनिया के। और गर्मियों के सीजन में थोड़े से शेड में कर देंगे तो लगातार इसमें फूल आते रहेंगे। इसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, तो कीड़ों का अटैक हुआ है काफी ज्यादा। हाँ। इसमें दवाई क्या है? हाँ, इसमें दवाई का छिड़काव किया गया। थोड़े से दवाई का छिड़काव करना जरूरी है। और पत्ते जो ज्यादा खराब हो रहे हैं धीरे धीरे कुछ कुछ जो है हटाते रहे यहाँ से, ताकि कीड़ों को पनपने का मौका ना मिले इसमें। इधर भी कैलाथिया के जो पौधे हैं काफी अच्छे हो रहे हैं। और मंदिर के बाद अगर मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ भी बड़े बड़े पॉट में कुछ पौधे लगे हुए हैं। इस पौधे में तो हमेशा फूल रहते होंगे? हाँ, इसमें हमेशा फूल रहते हैं। इसमें एक अकेला पौधा है जो कि 365 दिन इसमें कभी भी फूल के बगैर ये पौधा नहीं रहता। जैक्ट्रोफा का पौधा है। और इधर इधर बाकी ये सब तो शोधार है। तो ये निकालते हैं इस पॉट से कभी? नहीं, अभी तक तो इसको निकाला नहीं गया है। एक बार तो में दो साल हो रहे हैं इसको लगाया गया है। ठीक, तो तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे ही है। इसी में खाद वगैरह दिया जाता है, गुड़ाई की जाती है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ तो देखिये यहाँ भी जरबेरा किस तरह से खिला हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ चारों तरफ से। और जो घर की एंट्री है तो इसी जगह से है, और दोनों साइड में ही जो है फूल कुछ जो है पॉट में लगे हुए हैं। डैंथस वगैरह है ना ये? हाँ, ये डैंथस है। डैंथस और यहाँ फिर जरबेरा। तो जरबेरा सब जगह भर दिया आपने, और इन्हीं पौधों से ही जो है सब तैयार किया हुआ है। तो एक बार एक पौधा ला करके आपने अगर कहीं लगा दिया तो हर साल मेरे ख्याल से एक दो पौधे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ऊपर भी कुछ हैंगिंग मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें अभी तक आए नहीं फूल? बीच में दो में अभी तक नहीं आए हैं, बाकी साइड में दो में फूल। धूप की कमी होगी। और ऊपर ऊपर भी कुछ गार्डनिंग है तो ऊपर भी आपको ले चलते हैं, चलिए ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं छत पर दिखाऊं आपको तो छत में भी काफी सारे पॉट्स इस तरीके से है। अब तो खत्म होने का टाइम हो गया होगा इसका? हाँ, इसका अभी तो ये सारे बहुत सारे फूल खिले थे इसमें, तो बिल्कुल अलग टाइप का दिखाई दे रहा है गुलदाउदी, एकदम खुले खुले से थोड़े पेटल्स है इसके। हाँ।
ये वैरायटी कहाँ से लाए थे? ये हम आनंदखेड़ा से लेके आए थे। अच्छा अच्छा, किसी के घर से? हाँ, किसी के घर से। बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इस वैरायटी को, और एक बार आ गया तो बस ये हमेशा आप जो है रह जाएंगे। ये गुलदाउदी व्हाइट वाले में तो अभी काफी भरे हुए हैं। हाँ, तो ये तो पिछले साल का ही होगा ना पौधा? हाँ, पिछले साल नहीं है, इसी साल का ही है। अच्छा, कटिंग से तो लगाते हैं ना? हाँ, कटिंग से ही लगाते हैं, कटिंग से ही जो है कर देते हैं। तो इसमें एक बार अगर ये वैरायटी आ जाती है तो हमेशा होते रहते हैं। हाँ, ये सब भी कटिंग से ही लगे हुए? हाँ, ये सब कटिंग से लगे हैं। तो साइज काफी बड़ा बड़ा हो रहा है। हाँ, कटिंग से लगाते हैं तो साइज भी बढ़ जाता होगा। अब ये जो है नीचे, ये जड़ों से नए पौधे तैयार हो रहे हैं? हाँ, जड़ों से नए पौधे तैयार हो रहे हैं। यानी कि अब जब ये पौधे सूख जाएंगे, फूल खत्म हो जाएंगे, तो इसको जो है काट देना है और ये पौधे फिर तैयार होते रहेंगे। हाँ, ये पौधे तैयार होते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। और इसमें क्या लगा रखा है इन पॉट्स में? ये सब, ये ब्रोकली है? अच्छा, ब्रोकली। हाँ, अच्छा, बड़े टब में सब ब्रोकली लगा दिया कहीं कहीं पर। और ये वाला? ये डहलिया है। डहलिया है, कुछ कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, गेंदा, डॉग फ्लावर और गजानिया, तो सारी चीजें लगा दी है कुछ कुछ। हाँ, इसमें भी वही है। और इसमें क्या है? ये आइस प्लांट? ये आइस प्लांट है। अच्छा, चार प्लांट लगा दिया इसी? हाँ, से पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, ये तो कुछ दिन में फिर भर जाएगा। हाँ, कुछ दिनों में भर जाएगा ये। ठीक, इसके अलावा मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो कुछ ना कुछ यहाँ भी लगा रखा है। हाँ, तो ये सब तो वही कटिंग से ही तैयार किया? हाँ, ये सब कटिंग से तैयार किए गए हैं। ठीक ठीक, यहाँ मैं दिखाऊं तो कट्टों में भी देखिए यहाँ भी कर रखा है। ये कौन सा? पिटूनिया? हाँ, ये पिटूनिया है। ये खरीदा हुआ है कि देसी वाले हैं? ये देसी वाला है। देसी वाला जो हमेशा? हाँ, रहता है, जो हमेशा रहता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पूरा देखिए ईट लगा दिया बॉर्डर से घुमा करके यहाँ तक, और पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी से भर दिया। कब लगाया था यहाँ स्ट्रॉबेरी? अभी 2 महीने पहले लगाया गया था इसे। 2 महीने पहले? और वही गोबर की खाद और मिट्टी? हाँ। रहता है क्या इसमें? इसमें रहता नहीं है। ठीक, तो इसी में हो रहे हैं। फूल तो आने भी लग गए इसमें? हाँ, इसमें स्ट्रॉबेरी भी आने लगे हैं। फूल आने लग गए, ये स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है, ये कुछ कुछ जो है आने भी लग गया कहीं कहीं पर। ठीक, इसमें ये थोड़े बड़े भी नीचे हो रहे नीचे हैं। बड़े हो गए, लेकिन इसमें नीचे कुछ अपने को जो है लगाना पड़ेगा, अगर मिट्टी से टच होगी। हाँ, तो फल जो है इसके सड़ जाते हैं। तो नीचे जैसे आपके यहाँ पर है, या तो कोई घास वगैरह होगा सूखा, या पराल होगा, या तो पॉलीथीन जो है कुछ ना कुछ आप लगा करके रखिए, जिससे कि फल नीचे मिट्टी से टच ना हो। मिट्टी से टच होते ही ये सड़ने लगते हैं। और इसके अलावा कुछ ना कुछ जो है गमलों में लगाई हुआ है। इधर इधर मैं दिखाऊं तो अगेव का भी पौधा है, काफी बड़ा हो गया ये तो। हाँ, ठीक, ये सब आइस प्लांट ही है ना? हाँ, ये सब आइस प्लांट है। और इधर इधर मैं दिखाऊं तो आगे तक देखिए कई तरीके के पौधे आपको मिलेंगे। ये क्या बोनसाई की तैयारी? हाँ, ये बोनसाई की तैयारी है। अच्छा, तार से आपने बांधा? हाँ, है इसको। देखिए क्या राउंड शेप दे रहे हैं घुमा घुमा करके। तो ये क्या है, पीपल का ही है? हाँ, ये पीपल का ही है। तो शुरू से ही इस तरह से घुमा घुमा करके तार से इस तरह से ऊपर चढ़ाना है, बिल्कुल राउंड राउंड बनाना है क्या इसको? हाँ, ठीक। यहाँ भी एक कर रखा है वैसे ही बोनसाई, ये सब तार से ही किया आपने? हाँ, ये 2 साल हो रहे हैं इस पौधे की उम्र। 2 साल? हाँ, आइकस का ही है। और ब्रांच को देखिए किस तरीके से मोड़ रखा है, तो इस तरीके से तार से जो है किया गया। और कुछ दिन के बाद फिर ये तार हटा देंगे आप? हाँ, यहाँ से तो काफी अच्छा शेप आ जाएगा। बहुत ही सुंदर, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। ये भी बोनसाई की तैयारी है। बोनसाई की तैयारी है कि ब्रांच ना फैले तो यहाँ से बांध दिया है आपने। तो ये सब कुछ ट्रिक होता है कि धीरे धीरे बोनसाई को तैयार करते हैं इस तरीके से। और ये तो अभी खैर गर्मियों में फूल देंगे। ये क्या है कोने में? ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट, ये भी काफी बड़े हो गए हैं। अब तो इसमें मतलब एक रिंग लगाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तभी इसमें फ्रूटिंग हो पाएगी ठीक से। तो एक रिंग इसमें कर दीजिएगा। और बाकी इधर गुलाब भी हो रहे, मिनिएचर गुलाब है ना? हाँ। तो ये गर्मी सर्दी हमेशा होते रहते हैं इसमें? हाँ, ये गर्मी सर्दी हमेशा होते रहते हैं। ठीक ठीक, ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी कुछ पेंजी के पौधे हैं। तो ये भी नर्सरी से ही लाया हुआ है? हाँ, ये भी नर्सरी से है। और इधर जो है, इधर तो पूरा कैक्टस ही कैक्टस दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा कैक्टस ही है।
कैक्टस गार्डन के रूप में इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कैक्टस गार्डन आप बना रहे हैं, तो इसमें जो मिट्टी वगैरह है फिलहाल क्या इसमें मिलाया है आपने? इसमें रेता है, गोबर की खाद है, मिट्टी है। मतलब नॉर्मल उसमें नौर्मल जैसे मिट्टी तैयार किया वही? हाँ। किया तो रेता थोड़ा सा ज्यादा मिला, इसमें ज्यादा है। और ये सूखा सूखा थोड़ा सा रहेगा तभी अच्छे? हाँ। रहते हैं। तो बहुत तरह के जो बोनसाई है, जो कैक्टस की वैरायटी है, वो आपने इकट्ठा यहाँ कर लिया है। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये पहले इतने सारे थे या एक ही लगाया था? इसमें एक ही लगाया गया था। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये? धीरे धीरे इसमें बढ़ रहे हैं। कैक्टस में तो काफी टाइम लग जाता होगा बढ़ने में भी? हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अलग अलग वैरायटी और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और कई लोग कहते हैं कि अशुभ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अशुभ वहीं पर है कि अगर आपके हाथ पैरों में ये चुभता हो, तो घर के द्वार जहां पर है या जहां से ज्यादा आना जाना होता है, तो ऐसी जगह ना रखे, एक सेफ कॉर्नर जो है इसके लिए रखेंगे तो काफी बेटर रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपका गार्डन देख करके मैम। तो इन सबको दिखाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे घर आए और हमारी बगिया को जो है शूट किया।